वाइल्ड कैट्स, खूबसूरत, फुर्तीले और बेहद चुस्त, ऐसी ही शानदार प्रतिभाओं की वजह से चीतास को दुनिया का जमीन पर सबसे तेज भागने वाला जानवर माना जाता है। इनकी रफ्तार और फुर्ती की वजह से ये सभी कार्निवोर्स में सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। कैट फैमिली के ये शानदार सदस्य खुले मैदान और सवानास के राजा हैं। कैट फैमिली की लगभग 38 प्रजातियां हैं और हर प्रजाति अपने आप में खास है। ये खतरनाक जानवर राज करते हैं ऊंचे पहाड़ों पर, पाए जाते हैं सूखी बंजर जमीन पर, वहीं कुछ पेड़ों पर रहते हैं और कुछ बर्फीले इलाकों में। कुछ वाइल्ड कैट्स तो इतने दुर्लभ और कम दिखने वाले हैं कि उनके वजूद की इकलौती निशानी उनके पंजों के निशान हैं। इन्हीं लुभाने वाले निशानों की वजह से इन वाइल्ड फीलाइंस को जानने की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। वाइल्ड कैट्स के बेहतरीन फर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक कैट के मैमल होने की ये एक खास विशेषता है। और दूसरी विशेषता है रीढ़ की हड्डी। वाइल्ड कैट्स अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित कर पाते हैं और मादाएं मैमरी ग्लैंड्स की मदद से बच्चों को दूध पिला पाती हैं। सारी ही कैट्स कार्निवोर्स होती हैं, यानी मांस खाने वाली, जिससे ये कार्निवोरा श्रेणी में आती हैं। इस दल की दूसरी आम निशानियां हैं शिकार को पकड़ने के लिए पंजों के नाखून, मांस फाड़ने के लिए बड़े केनाइन दांत और कार्नासियल या काटने वाले दांत मांस को चबाने के लिए। फीलिडे परिवार का हिस्सा होने की वजह से ज्यादातर कैट्स के प्रोट्रैक्टाइल क्लॉज होते हैं, जो जरूरत के वक्त पंजों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन चीता के क्लॉज यानी नाखून अलग तरह के होते हैं। ये स्थायी तौर पर थोड़े से बाहर निकले होते हैं और काफी कुत्तों की तरह पूरी तरह अंदर की ओर नहीं सिकुड़ते। लेकिन इन्हीं प्राकृतिक पंजों की मदद से चीता को जमीन पर पकड़ बनाए रखने में मदद मिलती है। अपने इन्हीं नाखूनों की वजह से इन्हें मिला है अपना एक खास जीनस एसनोनिक्स, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब है ना हिलने वाले नाखून। चीता नाम एक हिंदी शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है चित्तीदार या धब्बेदार। चीता के चेहरे पर अनोखी टियर लाइंस बनी होती हैं, जो इनके चेहरे को और आकर्षित बनाती हैं। इन लकीरों से धूप की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और ये इन डायर्नल यानी दिन के शिकारियों के लिए बहुत अहम होती हैं। हालांकि ये कैट्स आकार में बड़ी होती हैं, लेकिन ये बिग कैट एलीट ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जिसमें आते हैं लायंस, टाइगर्स, जैगुआर्स और लेपर्ड्स। ये मशहूर और विशाल प्राणी चीता से इसलिए अलग हैं क्योंकि इन्हें दहाड़ लगानी आती है।
इन्हें ये खूबी मिली है इनके गले और वॉइस बॉक्सेस में हुए शारीरिक बदलावों से। और ये खूबियां चीता और दूसरी वाइल्ड कैट्स में नहीं होती। फेलिड्स या फेलाइंस ग्रुप के जीव अपने हमलावर बर्ताव, छिपने की खूबी और जबरदस्त सेंसेस के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कई रात के शिकारी हैं। अक्सर अकेले रहने वाले ये जीव कई तरह के हैबिटेट्स में रहस्यमयी जिंदगी जीते हैं और इन सभी को देख पाना आसान नहीं है। वाइल्ड कैट्स की बहुत सी प्रजातियां हैं। ये एंटार्क्टिका के अलावा हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो कोई स्थानीय फीलाइन नहीं है, लेकिन यहां जंगली बिल्लियां मौजूद हैं। फेलिडे फैमिली दो सब फैमिलीज में बटी हुई हैं, जिसमें शामिल है गुर्राने वाली बड़ी कैट्स और दूसरी सब फैमिली है फेलिने, जिसमें कैट्स के बाकी सात वंशज हैं। सबसे पहला है चीता। ये सदस्य है पूमा लीनियज का। इसकी पांच जानी पहचानी प्रजातियां हैं जो ज्यादातर अफ्रीका में पाई जाती हैं। ईरान में भी विलुप्त होने की कगार पर खड़ी इनकी छोटी सी आबादी है। चीतास काफी बड़ी कैट्स होती हैं, लेकिन पतला शरीर होने की वजह से इनका वजन सिर्फ 35 से 65 किलोग्राम तक होता है। अगर इनकी तुलना दूसरों से की जाए तो एक आम लायन इनसे 3 से 5 गुना ज्यादा वजनदार होता है। चीता की एक वैरायटी ऐसी होती है जिसकी खाल का पैटर्न अनोखा होता है। इन्हें कहा जाता है किंग चीता। आम चीता पर छोटे काले धब्बे होते हैं, पर इनकी खाल पर यही धब्बे आपस में जुड़े हुए होते हैं। साथ ही इनकी पूरी पीठ पर कुछ काली धारियां भी होती हैं। इनकी खाल का ये अनोखा पैटर्न और इनका क्रीम रंग एक जेनेटिक म्यूटेशन का नतीजा है। प्यूमा परिवार का ही एक और सदस्य है जैग्वारंडी। ये अमरीकी महाद्वीपों पर टेक्सस से अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं। जागुआ अंडी की टांगे छोटी और शरीर लंबा होता है। इनकी कुल लंबाई करीब 76 सेंटीमीटर तक हो सकती है। चीता का एक और करीबी रिश्तेदार है प्यूमा, जिससे कैट्स के इस वंश को अपना नाम मिला। फेलिने सब फैमिली में प्यूमास सबसे बड़े आकार के होते हैं। नर का वजन 90 किलो तक हो सकता है। इसे अक्सर कई नाम वाली बिल्ली कहा जाता है और सिर्फ अंग्रेजी में ही इसके 40 नाम हैं। इनमें से सबसे आम है माउंटेन लायन, कूगर और पैंथर। इस तरह के जानवर को ब्लैक पैंथर कहना सच कहें तो गलत होगा। ये रहस्यमयी बिग कैट्स प्यूमास नहीं है, बल्कि ये मेलनिस्टिक लेपर्ड्स या जैगुआर्स हैं। इसका मतलब है कि इनकी स्किन या फर में डार्क पिगमेंटेशन या मेलनिन की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि अल्बिनिज्म का विपरीत। शायद इन्हें पैंथर का नाम इसलिए दिया गया
क्योंकि ये पैंथेरा सब फैमिली के एक सदस्य हैं, जिसमें आते हैं स्नो लेपर्ड्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स। ये दोनों गुर्रा नहीं सकते, पर लेपर्ड जरूर हैं, और इसीलिए इन्हें बिग कैट्स की कैटेगरी में रखा गया है। कम दिखने वाले ये स्नो लेपर्ड्स सेंट्रल एशिया के ऊंचे और पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं। इनके रिश्तेदार क्लाउडेड लेपर्ड्स हिमालय के कम ऊंचाइयों वाले पहाड़ों पर और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। सभी वाइल्ड कैट्स के शरीर के साइज की तुलना में क्लाउडेड लेपर्ड्स की पूंछ सबसे लंबी होती है। वहीं दूसरी तरफ लिंक्स वंशज वाली कैट्स ज्यादातर जमीन पर रहती हैं, और इनके लिए इनकी पूंछ ज्यादा काम की नहीं होती। इनकी पूंछ काफी छोटी होती है, लिंक्स की चारों प्रजातियों के कानों के छोर पर काले बालों के गुच्छे होते हैं। ये ज्यादातर पाए जाते हैं यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में। इस लिंक्स का नाम बॉब कैट इसकी मोटी पूंछ से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसकी लंबाई सिर्फ 15 सेंटीमीटर होती है, और ये पूंछ ऐसी लगती है जैसे इसे काट कर छोटा कर दिया गया हो। लेपर्ड कैट के वंश में ही दुनिया की सबसे छोटी फीलाइंस देखने को मिलती हैं, रात में घूमने वाली रस्टी स्पॉटेड कैट। ये भारत और श्रीलंका के पतझड़ वाले जंगलों में पाई जाती हैं, और इनका वजन लगभग 1.5 किलो तक होता है। ये बड़ी तेजी से अपने शिकार पर झपट कर उसे पकड़ने के लिए जानी जाती हैं। इसी वंश में दुनिया की सबसे घने बालों वाली कैट भी शामिल है, सेंट्रल एशिया की द पैलेस कैट। अपने छोटे कानों और बालों से ढके चेहरे की वजह से ये हमेशा गुस्से में ही नजर आती हैं, और इन्हें ही लोग ग्रम्पी कैट कहते हैं। एशिया में एक और वंश पाया जाता है, और वो है बे कैट्स का, दुर्लभ प्रजातियों का एक छोटा सा समूह जिसमें शामिल है मार्बल्ड कैट और एशियाटिक गोल्डन कैट। अफ्रीका में कैरकल लिनियज पाई जाती है। इन मध्यम आकार के जीव के दो उदाहरण हैं। सबसे पहला है इसी नाम का कैरकल, और दूसरा है सर्वल। ऑसलॉट वंश से संबंध रखने वाली छोटे आकार की ये चित्तीदार वाइल्ड कैट लैटिन अमेरिका से है। ऑसलॉट्स के अलावा इस ग्रुप में शामिल हैं दुर्लभ मार्गे और कॉडकॉड। सबसे आखिर में है फीलस लिनियज। इसके सदस्य हैं नॉर्थ अफ्रीका और सदर्न एशिया के दुर्लभ सैंड कैट, यूरोपियन वाइल्ड कैट्स, एशिया की जंगल कैट, और साथ ही घरेलू बिल्लियों की बहुत सी नस्लें। फेरल कैट्स की बात करें तो ये भले ही जंगली होती हैं, लेकिन ये घरों से भागी हुई पालतू बिल्लियों की ही वंशज हैं। वाइल्ड कैट्स ने अपने आप में कई बदलाव किए हैं, और उनमें कुछ खास स्किल्स भी हैं जिनके बल पर वो अपने इलाकों में राज करते हैं। रफ्तार चीता की सबसे बड़ी विशेषता है। ये सारे जमीनी जानवरों में सबसे तेज है, और इसकी रफ्तार अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है।
ये पलक झपकते ही तेज गति पकड़ लेते हैं। इन्हें 0 से 100 की स्पीड पर जाने में मात्र 3 सेकंड लगते हैं। कुदरत ने चीतास को तेज दौड़ने के लिए बनाया है ताकि ये दिन में खुले इलाकों में ऐसे जीवों का भी शिकार कर सकें जिनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। पर ये सिर्फ सीधे भागने में ही तेज नहीं है, ये कैट्स तेज रफ्तार से खुद को मोड़ भी सकते हैं। इतने मुश्किल मोड़ ये अपनी लंबी और भारी पूंछ की मदद से ले पाते हैं, जिससे इन्हें संतुलन मिलता है। शिकार का पीछा करते हुए किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। शिकार अगर लड़खड़ाया तो समझो वो गया। चीता की ये शानदार रफ्तार उनके छोटे एरोडायनामिक शरीर और हल्के स्केलेटन की वजह से उन्हें मिलती है। इनकी एक क्षमता इनकी लंबी टांगों और फुट बोन्स की वजह से और बढ़ जाती है। लेकिन चीता को अपनी इस रफ्तार की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। उनके सिर और मुंह का आकार छोटा है और इसलिए उनके जबड़े कमजोर और दांत छोटे होते हैं। ये भले ही सबसे तेज हों, लेकिन इनके लिए पेड़ों पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी आराम करने के लिए ये झुके हुए या टूटे पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुदरत ने इनके पंजों को दौड़ने के लिए बनाया है, खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए नहीं। वहीं दूसरी तरफ लिंक्स जैसी वाइल्ड कैट्स अपनी ताकतवर टांगों और नाखूनों के जरिए बड़े आराम से पेड़ों के तनों पर चढ़ और उतर जाती हैं। दूसरी प्रजाति जैसे कि क्लाउडेड लेपर्ड्स छलांग लगाने में माहिर होते हैं। कैट्स चाहे जहां भी रहे, उन्हें अपने वातावरण की आदत डालने में मेहनत करनी पड़ती है। चीतास ज्यादातर सूखे सवाना और घास के मैदानों में रहते हैं, पर इन्हें रेगिस्तानों में भी देखा गया है। इस वजह से ये बिना पानी पिए भी लगभग 10 दिनों तक आराम से रह सकते हैं। इन्हें अपने शिकार के शरीर से पर्याप्त नमी आसानी से मिल जाती है। दूसरी वाइल्ड कैट्स ठंडे मौसम में जिंदगी जीते हैं। लिंक्सेस धरती के उत्तरी जंगलों में राज करते हैं। जब सर्दियां आती हैं, तो ये इलाके बेहद ठंडे हो जाते हैं। घने बाल होने की वजह से इन कैट्स का शरीर गर्म रहता है। इनके बड़े फर वाले पंजे और फैली हुई उंगलियां इनके लिए स्नो शूज का काम करते हैं। अपने सेंसेस के जरिए कोई भी वाइल्ड कैट ना सिर्फ अपने शिकार बल्कि खतरे का भी पता लगा लेती है। भले ही ये शिकारी हो, लेकिन दूसरे कार्निवोर्स भी वाइल्ड कैट्स को निशाना बनाते हैं। इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। कोई जानवर फूड चेन में किसी भी स्तर पर क्यों ना हो,
जीवन में चुनौतियां तो हमेशा आएंगी। हर तरह की वाइल्ड कैट अपनी सीखी हुई तकनीकें और अडैप्टेशंस का इस्तेमाल करके जिंदगी को सुकून से जीती है। फेलाइंस का एक लंबा इतिहास है। इनकी प्रजाति के पूर्वज लगभग 20 से 9 मिलियन साल पहले एशिया में रहते थे। इस प्राचीन प्रजाति से 8 एक जैसी दिखने वाली प्रजातियां उत्पन्न हुई। ये बड़े दहाड़ने वाले कैट्स इस प्रजाति में सबसे विशाल और पुराने हैं। इनका जन्म लगभग 11 मिलियन साल पहले हुआ। माना जाता है कि प्यूमा लिनियज से जुड़े चीता नॉर्थ अमेरिका में करीब 6 मिलियन साल पहले आए थे और वहां से ये दूसरी जगहों पर फैल गए। यूरेशिया के जायंट चीता के फॉसिल से पता चलता है कि ये प्राचीन जीव कद में किसी लायन के समान थे और इनका साइज आज के चीता के मुकाबले दोगुना था। दो मिलियन साल पहले के इन फॉसिल्स में लंबे पैर और बड़ा शरीर पाया गया है। इसी वजह से इन भारी भरकम जानवरों को कम रफ्तार वाली बड़ी कैट्स और आज नजर आने वाले तेज रफ्तार चीतों के बीच वाले बॉडी डिजाइन के तौर पर देखा जाता है। शायद कैट्स में सबसे मशहूर और प्राचीन मैमल है ये सेबर टूथ टाइगर। भले ही असल में ये एक टाइगर ना हो, लेकिन इन सेबर टूथ कैट्स और दूसरी आधुनिक कैट्स का दूसरे फीलफॉर्म्स के साथ पुराना रिश्ता जुड़ा है, जिसमें आते हैं हाइनास, मोंगूस, पाम सिविट्स, जेनिट्स और मालागासी कार्निवोरंस। वहीं अगर हम अपनी पालतू कैट्स की बात करें तो माना जाता है कि अफ्रीकन वाइल्ड कैट वो पहली कैट थी जिसे पालतू बनाया गया था लगभग 10,000 साल पहले, और उसका नतीजा आप सबके सामने है। हमें मिले ढेर सारे फरी दोस्त जो हमारे घरों के साथ साथ हमारी जिंदगी का भी हिस्सा है। वाइल्ड कैट्स की श्रेणी में बेशक कई तरह के फीलाइंस आते हैं, लेकिन उन सब के कुछ बर्ताव एक जैसे होते हैं। शेरों के झुंडों के अलावा ज्यादातर कैट्स अकेले ही रहना पसंद करती हैं। मादा चीतास अक्सर अकेली ही रहती हैं, सिवाय बच्चों की परवरिश के लिए और प्रजनन के लिए। इनका इलाका 950 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है और इसकी सीमाएं अक्सर दूसरी फीमेल्स के इलाकों से ओवरलैप करती हैं। यह इलाका आकार में बर्लिन शहर के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ नर चीता के इलाके छोटे होते हैं। ये अपने इलाकों की हिफाजत के लिए छोटे और मजबूत रिश्तों वाले गठबंधन बनाते हैं, जिन्हें कोअलिशन भी कहा जाता है। ये कोअलिशन पूरी जिंदगी चल सकता है। ये झुंड अक्सर ब्रदरहुड्स होते हैं, यानी झुंड के कुछ ऐसे बच्चे जो एक साथ रहने लगते हैं। कभी कभी ये अजनबियों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। इन कोअलिशन के सदस्य एक दूसरे के साथ इलाके को लेकर नहीं जूझते, लेकिन ये दूसरे नरों से लड़ते जरूर हैं,
कभी कभी ये लड़ाइयां जानलेवा हो जाती हैं, जिससे चीता की आबादी पर असर पड़ता है। आज हर दो मादाओं के लिए सिर्फ एक ही नर है। वाइल्ड कैट किसी भी तरह की क्यों ना हो, माएं अपना प्यार दिखाने में बिल्कुल नहीं शर्माती। कैट्स को अपने आप को साफ रखने का एक जुनून होता है और आपको ये अक्सर ऐसा करती दिखाई देंगी, चाहे बात सफाई की हो या फिर चालाकी से शिकार करने की, आपस में बात करने की कुछ अनोखी तकनीकें हो या फिर अनूठी सामाजिक आदतें। वाइल्ड कैट्स का बर्ताव वाकई बहुत दिलचस्प होता है। कोई भी वाइल्ड कैट कितनी भी दिलकश क्यों ना लगती हो, लेकिन इस मामले में उनके बच्चे हमेशा उनसे बाजी मार जाते हैं। नब्बे दिन की गर्भावस्था के बाद मादा चीता 3 से 5 बच्चों को जन्म देती है। हर एक का वजन 1 किलो से भी कम होता है। ये बच्चों को 6 से 8 हफ्तों तक दूध पिलाती हैं। शुरुआती दौर में किसी भी मादा चीता को शिकार के लिए निकलते वक्त अपने बच्चों को लंबे समय तक छोड़ना पड़ता है। इससे न सिर्फ वो अपनी भूख मिटाती है बल्कि अपने बच्चों को दूध भी पिला पाती है, और यही समय बच्चों की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बदकिस्मती से चीता के सभी बच्चों के बचने के आसार कम होते हैं, लगभग 10%। जितने बच जाते हैं वो भाई बहन की तरह एक दूसरे के साथ और अपनी माँ के साथ करीब 5 महीने की उम्र में खेल खेल में लड़ने की तरकीबें सीखने लगते हैं। खेल खेल में ये बच्चे सीख जाते हैं घात लगाना, पीछा करना और एक दूसरे से जूझना। इस समय माँ पूरे परिवार के लिए शिकार करती है, लेकिन जल्द ही ये जिंदा शिकार को लाएगी ताकि बच्चे भी शिकार करना सीख पाए। 2 साल के होते होते बच्चे अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कई महीनों तक ये भाई बहन एक ग्रुप बनाकर भी रह सकते हैं। इस स्टेज के बाद युवा मादाएं अपने भाइयों को छोड़कर अपने बल पर आगे बढ़ जाती हैं। वही नर कोलिशन बना लेते हैं। आमतौर पर चीता का औसत जीवन काल 8 साल का होता है। बड़ी वाइल्ड कैट्स के बच्चों को कब्स कहा जाता है, वहीं छोटी प्रजातियों के बच्चे किटन्स कहलाते हैं। सभी नवजात कैट्स की तरह यूरेशियन लिंक्स के बच्चे भी लाचार होते हैं। ये अपने खाने, गर्माइश और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अपनी माओ पर निर्भर करते हैं। लिंक्स अपने बच्चों की सफाई भी करती हैं। और उनके खेल में साथी और सवारी भी बनती हैं। कभी कभी बच्चों को अपनी माँ का ध्यान खींचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। जंगलों में ये मस्ती करने वाले जीव करीब 17 साल तक जी सकते हैं।
उत्तर और दक्षिण अमेरिका में प्यूमा कब्स के शरीर पर धब्बे और धारियां होती हैं, जो इन्हें माहौल में छिपे रहने में मदद करती हैं। 3 महीने बाद ये निशान धुंधले पड़ने लगते हैं और इनके 1.5 साल के होने तक पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। अडल्ट्स की उम्र 8 से 13 साल के बीच होती है, लेकिन हकीकत यह है कि इनके लिए अडल्टहुड तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। पर माएं अपने बच्चों को जिंदगी की एक बेहतरीन शुरुआत देने की कोशिश करती हैं। सभी कैट्स मांसाहारी होते हैं, पर सभी मांसाहारी जीव एक जैसे नहीं होते। मिसाल के तौर पर डॉग्स फैकल्टेटिव कार्निवोर्स होते हैं। ये वैसे तो मांस खाते हैं, पर अगर जरूरी हो जाए तो ये पेड़ पौधे खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैट्स ऑब्लिगेट कार्निवोर्स होती हैं, यानी कि ये अपने खाने में नॉन एनिमल फूड भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन इन्हें जिंदा रहने और बढ़ने के लिए मीट की जरूरत पड़ती है। सारी वाइल्ड कैट्स मांस वाले कई तरह के जीवों को अपना शिकार बनाती हैं, जैसे कि बड़े और छोटे मैमल्स और फिश। चीतास को बड़े खुरों वाले मैमल्स अंड्यूलेट्स पसंद आते हैं, और अफ्रीका में ये ज्यादातर सवानास में रहते हैं। चीता का शिकार का तरीका पूरी तरह इनके हैबिटेट के मुताबिक ढला हुआ होता है। सभी कैट्स में सिर्फ चीता ही कर्सोरियल हंटर है, यानी कि तेज दौड़कर अपने शिकार को पकड़ने वाले, और इसीलिए ये बड़े और खुले इलाकों में रहते हैं। दीमकों के टीले आसपास नजर दौड़ाने के लिए बढ़िया जगह होती हैं। देखने में ना तो ये बढ़िया ना ही आरामदायक होते हैं, लेकिन चीता शिकार के लिए गंध की बजाय नजर पर निर्भर करते हैं। थॉम्सन्स गजेल इनका पसंदीदा शिकार है। चीता अपने शिकार के करीब छिप कर जाता है और 90 मीटर के दायरे में आते ही वो हमला कर देता है। शिकार को पकड़ने के लिए ये अपने प्रोट्रैक्टाइल क्लॉज और लचीली कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर अपने जबड़ों से शिकार का गला दबोचकर वो उसे मार डालते हैं। ज्यादातर चीतास अकेले ही शिकार करते हैं। नरों के कोएलिशन साथ में शिकार करते हैं, लेकिन शेरनियों की तरह एक दूसरे का साथ नहीं देते। रिसर्चर्स का मानना है कि इस तरह से मिलजुल कर रहने से उनकी कामयाबी का दर नहीं बढ़ जाता, लेकिन उनके लिए अपने से बड़े जीवों को मारना आसान हो जाता है, जैसे कि वाइल्ड बीस्ट। एक अकेला चीता ऐसा करे तो मुश्किल में पड़ सकता है। वाइल्ड बीस्ट के सींग और खुर का वार जानलेवा साबित हो सकता है, पर जब सब साथ हमला करते हैं तो मुश्किल तो होती है, लेकिन कामयाबी भी हासिल होती है। चीता कई खूबियों वाले शिकारी होते हैं। इनके लिए एक छोटा मैमल भी काफी होता है, लेकिन ये छोटा सा खरगोश इस बड़े चीता को खूब दौड़ा रहा है। वहीं अगर चीता वॉर्थॉग को चुनता है तो उसकी भी कई चुनौतियां हैं। अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करके ये चालाक जानवर इन वाइल्ड कैट्स को चकमा दे देते हैं।
Warthogs 1, Cheetahs 0. ये जंगली सुअर काफी तेज रफ्तार से भागते हैं। Warthogs 2, Cheetahs 0. ये टोपी और उसका बछड़ा खतरे में लग रहे हैं, लेकिन एक मां के प्यार को कम नहीं आंका जा सकता। शिकार को मारने के मामले में चीता सिर्फ 50% ही कामयाब होते हैं, और ये इनके बिग कैट रिश्तेदारों के मुकाबले ज्यादा है। लेपर्ड्स को तो 40% से भी कम कामयाबी मिलती है, और वहीं शेरों को लगभग 30% कामयाबी मिलती है। जब कोई चीता शिकार को मार देता है तो उसे हाइनास जैसे लुटेरों से सावधान रहना होता है। एक अकेले चीता के लिए हाइनास के झुंड से अपने शिकार को बचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर चीता भी पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब दूसरी चुनौती ये है कि नीचे कैसे उतरा जाए। खाना चुराने में संख्या बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। एक अकेला हाइना 3 कैट से टक्कर नहीं ले पाएगा। शिकार को अपने कब्जे में रखने का सबसे भरोसेमंद तरीका है बड़े शिकारियों के सोने के वक्त शिकार करना। ज्यादातर वाइल्ड कैट्स रात में शिकार करती हैं, जब अंधेरा होता है, लेकिन चीतास डायर्नल हंटर्स होते हैं, यानी कि ये अपने शिकार को दिन में मारते हैं। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ये सुबह सुबह या शाम ढले शिकार करते हैं, क्योंकि तेज रफ्तार पर शिकार करने से इनकी काफी एनर्जी खर्च हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर वाइल्ड कैट्स घात लगाकर शिकार करती हैं, जिसे स्टॉक एंड पाउंस मेथड कहते हैं। वाइल्ड कैट्स में कुछ स्पेशलिस्ट शिकारी भी होते हैं। ये हैं पिसिवोर्स, जो बुनियादी तौर पर मछलियां खाते हैं, जैसे कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की फिशिंग कैट। ऑसलॉट्स जैसे आर्बोरियल शिकारी पेड़ों पर शिकार करते हैं। वहीं अमेरिका के ऑसलॉट्स जमीन पर भी शिकार करते हैं। लेकिन कुछ गुस्सैल रोडेंट्स जवाबी हमला कर देते हैं। वहीं हिमालय के पर्वतों में शिकारी और शिकार के बीच की लड़ाई का मैदान काफी ऊंचा है, और ये लड़ाई भी जबरदस्त होती है। एक तरफ हैं मार्कोर्स, जो सीधी खड़ी चट्टानों पर भी चढ़ जाते हैं और इन पर कड़ी निगाहें बनाए रखता है हमेशा धीरज से काम लेने वाला स्नो लेपर्ड। इस लेपर्ड ने पीछा करना शुरू कर दिया है। एनिमल किंगडम में स्नो लेपर्ड के शिकार की कोशिशें किसी जिम्नास्ट के कर्तव्यों से कम नहीं। लेकिन यह मार्कोर किसी तरह से बच जाता है।
वाइल्ड कैट्स सिर्फ कुशल शिकारी ही नहीं बल्कि मौका परस्त स्कैवेंजर्स भी होते हैं। हालांकि इनके लिए पौधों को खाना जरूरी नहीं होता, पर ये ऐसा करती हैं। माना जाता है कि घास से इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल एक्टिविटी तेज हो जाती है और साथ ही पेट के कीड़े मकोड़े बाहर निकल जाते हैं। वाइल्ड कैट के जिंदा रहने के लिए मांस बहुत जरूरी है और अपना पेट भरने के लिए ये शिकार के कई अनोखे तरीके इस्तेमाल करते हैं। हजारों सालों से हम वाइल्ड कैट्स की खूबसूरती, उनकी शिकार करने की क्षमता और फुर्ती को देखते आए हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस चीता को पवित्र मानते थे। उनके मकबरों और रॉक टेंपल्स में चीता की तस्वीरें नजर आती हैं। ये आसानी से पालतू बन जाते हैं। मिस्र की जानी मानी हस्तियां इन्हें पालते थे और शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे और यही परंपरा इतिहास में आगे चलती रही। भारत पर शासन करने वाले अकबर को शिकार करने के लिए चीतों को ट्रेनिंग देने का इतना शौक था कि उसने 1000 चीते पाले हुए थे। चीते हमेशा से ही रफ्तार का प्रतीक रहे हैं और उनकी इस खूबी का प्रतीक रही है बिल थॉमस चीता, 1960 के दशक की एक अमेरिकन स्पोर्ट्स कार। ये इकलौती ऐसी वाइल्ड कैट्स नहीं है जिनका पूरी दुनिया में जलवा है। एक और मिसाल है पेरू का शहर कुस्को, जो कभी इनका साम्राज्य की राजधानी थी। इस शहर को प्यूमा के आकार में बसाया गया है। शहर की शेप इस कैट की बॉडी जैसी है और साथ से हुअमन का किला इसका सिर है। सेंट्रल एशिया के कई देशों और शहरों जैसे कि टाटरस्टान रिपब्लिक ऑफ रशिया में स्नो लेपर्ड को एक प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। ये जंगली जानवर बहादुरी और निडरता का प्रतीक है। वाइल्ड कैट्स की कुदरती खूबसूरती पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों दिमाग को आकर्षित करती आई है। इनकी शान वाकई निराली है। बेशक वाइल्ड कैट्स को दुनिया भर में सराहा और प्यार किया जाता है, लेकिन इन पर इंसानी दबाव भी बहुत ज्यादा है। इनके हैबिटेट्स को तेजी से फार्मलैंड्स, पैस्चर्स और इमारतों में बदला जा रहा है। चीता की संख्या घट रही है। अपने 90% पुराने इलाकों से ये गायब हो चुके हैं। हाल ही की गिनती के मुताबिक आज जंगलों में इनकी संख्या 7100 से भी कम है। चीतास का भविष्य खतरे में है। इन्हें हर तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संरक्षित रिजर्व्स में भी इन्हें बिग कैट्स और हाइनास का खतरा झेलना पड़ता है और इसीलिए ये सुरक्षित इलाकों की सीमाओं से बाहर चले जाते हैं, जहां इनका सामना होता है इंसानों के पैदा किए गए खतरों से। इन कैट्स को गाड़ियां टक्कर मार देती हैं। इन्हें मार दिया जाता है इनकी खाल और बॉडी पार्ट्स के लिए,
और कभी कभी डर के मारे। चीतास को एग्जॉटिक पेट ट्रेड के लिए भी पकड़ा जाता है। एक और समस्या है खाने की कमी। इनका शिकार बनने वाली प्रजातियों की संख्या भी घट रही है, जिससे चीता को भरपेट खाना नहीं मिल पाता है। चीता की कम आबादी की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी भी घटती है, जिससे उनके इम्यून सिस्टम्स पर, खासकर कब्स पर, बुरा असर पड़ता है। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं। कॉन्सर्वेशन से जुड़ी कोशिशें जारी हैं। साथ ही लोकल वेट्स घायल चीतों की देखरेख में मदद करते हैं। साइंटिस्ट्स इन वाइल्ड कैट्स की रेडियो ट्रैकिंग कर रहे हैं, ताकि इनकी जिंदगियों के बारे में और जानकर इनकी मदद की जा सके। इस काम में डॉग्स भी हमारी मदद कर रहे हैं। नामीबिया में मवेशियों को बचाने के लिए कैंगल शेपर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि इंसान और चीता का सामना कम हो जाए। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को फिर से भारत में बसाने की कोशिश को हरी झंडी दे दी है। ये कोशिश कितनी कामयाब रहेगी, ये तो समय ही बताएगा। खतरे से घिरी दूसरी वाइल्ड कैट्स को बहुत ही कम स्टडी किया गया है, तो उन्हें बचाने के लिए ये जरूरी है कि हम उनकी जिंदगी के हर पहलू को स्टडी करें। ऐसी ही कामयाबी की एक कहानी है यूरेशियन लिंक्स की। एक समय पर ये विलुप्त होने की कगार पर थी, पर इन्हें बचाने की जबरदस्त कोशिशों की वजह से यूरोप में पिछले 50 सालों में इनकी आबादी 10 गुना बढ़ गई है। ये वाइल्ड कैट्स फिर से जर्मनी के जंगलों में नजर आने लगे हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और आम लोगों को जागरूक करके ज़ूज भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम भी अगर इन कमाल की फीलाइंस को जंगलों में चैन से जीने दें, तो ये हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी मदद होगी। ये पक्का करना हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया में कहीं भी मौजूद इन वाइल्ड कैट्स की जिंदगी का सूरज कभी ढलना नहीं चाहिए।